नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज चर्चा करने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से आपके मुख्य परीक्षा के स्तर में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत हम सरकारी पत्र को लेते हैं। सरकारी पत्र से संबंधित कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, अलग अलग सालों में लोक सेवा आयोग के द्वारा किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, उन सभी बिंदुओं को कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ में हम परीक्षा के दौरान जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों पर चर्चा करेंगे जो कई बार परीक्षार्थियों के द्वारा गलती किया जाता है। पत्राचार बहुत ही तकनीकी सेक्शन है मुख्य परीक्षा का पेपर, हिंदी कन्वेंशनल में, परंपरागत पेपर में। तो उन तकनीकों से परिचित होना आवश्यक है, उसको व्यवहार में लाना आवश्यक है, अभ्यास करना आवश्यक है ताकि मुख्य परीक्षा के पेपर में इस तरीके की गलतियां ना होने पाए। तो सरकारी पत्र के अंतर्गत कहां कहां से सवाल पूछे जा सकते हैं और सरकारी पत्र को तैयार करने के दौरान किन बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सरकारी पत्र में हम परिभाषा को देखते हैं। सरकारी पत्र शासकीय पत्राचार का वह रूप होता है जो शासकीय प्रयोजन से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है। शासकीय पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह हमेशा प्रेषक के नाम से और प्रेषिती के पद नाम से भेजा जाता है। इसकी भाषा औपचारिक होती है और शैली हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अगर इसकी परिभाषा पूछता है तो इस परिभाषा या अर्थ के अंतर्गत इतनी बातें लिखना आवश्यक है जिससे वह अन्य पत्रों से अलग हो सके और सरकारी पत्र के भाव को, उसकी विशेषताओं को अपनी परिभाषा में समेटते हुए उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। अर्थात सरकारी पत्र शासकीय पत्राचार का वह रूप होता है जो शासकीय प्रयोजन से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है। यह हमेशा प्रेषक के नाम से एवं प्रेषिती के पद नाम से लिखा जाता है। इसकी भाषा हमेशा औपचारिक होती है क्योंकि यह शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। और औपचारिक का तात्पर्य होता है कि एक निश्चित प्रारूप होता है जो सामान्यतः सरकारी कार्यालयों में, सरकारी व्यवहार में, मीटिंग्स में प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरीके से भाषा इसकी औपचारिक होती है और शैली अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है क्योंकि यह अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग अधिकारियों के पास प्रेषित किया जाता है और वहाँ पर उसके द्वारा अध्ययन किया जाता है, उस अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है। इसकी भाषा इसीलिए औपचारिक होती है और शैली हमेशा अन्य पुरुष शैली में इसे लिखा जाता है। तो परिभाषा इस तरीके से स्पष्ट हो गई। परिभाषा से ही इसकी विशेषताएं निकल कर सामने आती हैं। इसकी विशेषताएं निकल कर सामने आती हैं कि यह शासकीय प्रयोजन से लिखा जाता है। इसकी भाषा औपचारिक होती है। इसकी भाषा औपचारिक होती है। शैली अन्य पुरुष शैली। अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाता है। इसका महत्व ये होता है कि चूंकि इसका प्रारूप निश्चित होता है इसलिए किसी विषय पर सरकारी पत्र के माध्यम से कोई भी अनुदेश निर्देश लिखने के दौरान किसी भी स्तर पर किसी अधिकारी को, किसी भी कार्यालय कर्मचारी को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि पूर्व में लगातार इस तरीके के विषयों पर पत्राचार किए जाते रहते हैं और उसका एक प्रारूप और भाषा और शैली सब निश्चित होता है। तो यह बहुत ही संक्षिप्त ढंग से अपनी बातों को कहकर एक निश्चित प्रारूप में उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो इसका महत्व इस बात में निहित है और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों, कैसे उद्देश्य, शासकीय उद्देश्य, शासकीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुदेश निर्देश आदेश इत्यादि जारी किए जाते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा, विशेषताएं और महत्व, यह सरकारी पत्र का एक भाग है। इसके अंतर्गत इन सभी बिंदुओं की तैयारी की जाती है और सरकारी पत्र के अंतर्गत ये कभी कभी परीक्षा में पूछा भी गया है। यद्यपि ज़्यादातर ये उदाहरण, प्रारूप इत्यादि से सवाल पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी इससे भी संबंधित सवाल पूछे गए हैं, इसलिए हम इसे
निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि हम अपने पत्राचार के सेक्शंस के या पत्राचार के खंड को पूरी तरीके से तैयार कर सकें। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिस पे हम चर्चा करना उचित समझते हैं, जो कि अपने स्वरूप में तकनीकी हैं और अलग अलग अधिकारियों के स्तर से व्यवहार होने के दौरान वह अलग अलग प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें हम तीन महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे। अनुरोध, अपेक्षा, निर्देश। यहां पर यह समझना आवश्यक है सरकारी पत्रों में या इसी तरीके से किसी भी पत्र में, यहां तो हम सरकारी पत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसी तरीके से आपके सिलेबस में कई प्रकार के पत्र रखे गए हैं, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, पत्राचार, परिपत्र और विज्ञप्ति और अनुस्मारक पत्र, तो इस तरीके से कई पत्र हैं। लेकिन हमें इन शब्दों को बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसमें त्रुटि होने पर आपकी स्थिति सरकारी कार्यालय स्तर पर असहज हो सकती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। जब कोई कनिष्ठ अधिकारी के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा जाता है तो वहां पर अनुरोध किया जाता है, क्योंकि हम अपने सीनियर अधिकारी से अनुरोध ही कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अपने से अधीनस्थ अधिकारी या कनिष्ठ अधिकारी को कोई पत्र लिख रहे हैं या कोई आदेश जारी कर रहे हैं तो वहां पर हम उसको निर्देश दे सकते हैं और उस निर्देश के माध्यम से एक अनुशासन को बनाए रखते हुए वहां पर आदेश को व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वित करते हैं। तो इस तरीके से अनुरोध और निर्देश में अंतर स्पष्ट हो जाता है। अपेक्षा एक ऐसा शब्द है जो सामान्यतः दूसरे विभाग के समान स्तर के अधिकारियों के लिए लिखा जा सकता है, अपने कार्यालय के समान स्तर के लोगों के लिए लिखा जाता है, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने से छोटे या अधीनस्थ या कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए भी इस शब्द को सम्मानजनक ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, जो कि भाषा को बहुत ही सौम्य और सरल बनाता है। तो इस तरीके से अनुरोध, अपेक्षा और निर्देश जैसे शब्दों का पत्राचार के दौरान काफी सावधानी से प्रयोग करने की अपेक्षा होती है सभी के लिए। अगर इस तरीके से अनुपालन किया जाए तो निश्चित तौर पर आपका जो भी पत्र है वो इस प्रकार के लिए निर्धारित किए गए नियमों का अनुपालन करता है और अच्छे मार्क्स के लिए जो है आपको सहज बनाता है। पत्रांक विवरण, पत्रांक विवरण ये काफी तकनीकी चीज होता है जो कि यहाँ पर एक ढांचा बनाया गया है जिसके अंतर्गत अभी हम बताते हैं। तो सामान्यतः आप देखते हैं इस तरीके का पत्रांक अंकित होता है। अब इसमें कुछ चीजों को समझना आवश्यक है जिससे पत्रांक लिखने के दौरान आपको आसानी होगी, अन्यथा पत्रांक केवल गिनती और ईयर को लिखने तक ही सीमित होता है सामान्यतः। लेकिन जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक पत्रांक का उल्लेख किया गया है 18/2019 10/181/2020, तो इसका तात्पर्य अगर समझा जाए अलग अलग करके तो ये 18/2019 का मतलब जो भी पत्र जारी किया जा रहा है वो पत्र एक ऐसे पत्रावली का या एक ऐसे फाइल के अंतर्गत लगाया जा रहा है या उस विषय से प्रारंभ हुआ पत्र है जो 2019 में 18वीं फाइल के रूप में प्रारंभ किया गया था। ये 10 जो है उस विभाग के अनुभाग के लिए जारी होता है, जैसे ये 10 है वित्त सेवाओं के लिए, वित्त विभाग के अंतर्गत ये जारी किया गया है, वित्त विभाग के लिए जारी किया गया अंक जो है 10 है, वित्त विभाग से जारी जो भी पत्र हो रहे हैं उसमें 10 अंकित होता है। ये जो है 181 ये पत्र संख्या है जो 2020 में किसी तिथि पर जारी होता है, चूँकि पत्रांक के नीचे यहाँ पर आप पत्रांक है यहाँ पर तिथि है तो इस डेट को जारी होता है और वहां पर ईयर जो डाला होता है वो उस वर्ष का होता है। तो इस तरीके से आपको 2019 की फाइल के अंतर्गत 18वीं फाइल होती है, ये विभाग का नाम दिया गया होता है, ये उस विषय पर जो है
ये संख्या बताता है कि क्रमांक में ये 181वां पत्र है जो एक निश्चित वर्ष 2020 में जारी किया जा रहा है। तो इस तरीके से पत्रांक विवरण के अंतर्गत ये खंड होते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार कुछ और भी चीजें डाली जा सकती हैं, परंतु सामान्य स्थिति में इस तरीके के पत्रांक अंकित किए जाते हैं। अभी पत्रांक व्यवहारिकता में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये भी काफी अपने स्वरूप में तकनीकी है और उसके लिए हम इस सेक्शन को देखते हैं। इसमें पत्रांक व्यवहारिकता में जैसे भौदीय है और आज्ञा से, यहाँ पे दो शब्द लिखे गए हैं, हालांकि ये सरकारी पत्र के अंतर्गत लिखा गया है। और अगर हम अर्धशासकीय पत्र या अन्य पत्रों में देखेंगे तो इसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन अगर हम सरकारी पत्र की चर्चा कर रहे हैं तो सरकारी पत्र के अंतर्गत हम इसे देखेंगे कि यहाँ पर भौदीय शब्द लिखा जाएगा और भौदीय के जस्ट नीचे ये साइन होगा, यहाँ पे हस्ताक्षर किया जाएगा और हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ पर नाम होगा। नाम वही होगा जो यहाँ पर अंकित किया गया, जिसके नाम से ये पत्र भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर नाम डालने का एक अर्थ ये होता है कि साइन हमेशा बहुत ही विशिष्ट यूनिक होती है, जिसको देखने से स्पष्ट नहीं होता। तो यहाँ पे नाम, ये पोस्टक के अंतर्गत नाम अंकित कर दिया जाता है और इस तरीके से ये भौतीय लिख करके हस्ताक्षर ये कर दिया जाता है। आगे यहाँ पर ये इस पत्र के लिए होता है। आगे यहाँ पे एक दूसरा प्रतिलिपि जारी होता है, प्रतिलिपि के नीचे, प्रतिलिपि से प्रतिलिपि लिखने के बाद यहाँ जगह कम होने के कारण से इस तरीके से यहाँ लिखा गया है। प्रतिलिपि जो भी एक दो तीन लोगों को चार लोगों को जारी किया जाएगा उसके नीचे आज्ञा से लिख दिया जाएगा। आज्ञा से का मतलब यह है कि अगर ये विशेष सचिव के द्वारा जारी किया जा रहा है तो यहाँ पे और सचिव या उप सचिव के द्वारा इन सभी लोगों के लिए ये पत्र पृष्ठांकित किया जा रहा है। अर्थात आज्ञा से का मतलब यह है कि पत्र किसी के द्वारा जारी किया गया और किसी उसी जो है सेक्शंस के, उसी भी सेक्शन के किसी अन्य सचिवीय स्तर से ये अन्य लोगों को भी पृष्ठांकित किया जा रहा। अर्थात अगर आज्ञा से यहाँ लिखा है तो यहाँ का पदनाम और यहाँ का पदनाम अंतर होगा, और सामान्यतः यहाँ पे बड़े अधिकारी के द्वारा ये पत्र जारी होता है और यहाँ का पत्र जो है वो उससे कनिष्ठ या अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा अन्य अधिकारियों को पृष्ठांकित किया जाता है जिससे संबंधित यह पत्र हो सकता है। सीधे तो यह पत्र सेवा में जिसके लिए है वहां के लिए जारी होता है, लेकिन ऐसा संभव है कि जिसके लिए पत्र जारी किया जा रहा है उसके अलावा अन्य लोगों से भी ये पत्र संबंधित हो सकता है। तो उन लोगों के लिए यहाँ आज्ञा से का मतलब यह है कि आज्ञा किसी का है और उसके विहार पर किसी सचिवीय अधिकारी के माध्यम से यह पत्र पृष्ठांकित किया जा रहा है जो इन लोगों को भी भेजा जाता है। तो इस तरीके से पत्रांक व्यवहारिकता है, इसमें कई बार अंतर होता है कि यहाँ पर किसी अधिकारी की साइन होती है और यहाँ पर किसी अधिकारी की साइन होती है। तो इन दोनों ही प्रकार के जो है साइन में यह बेसिक डिफरेंस होता है, जिसे जानना और बताना इस प्रकार के पत्रों के लिए बहुत जरूरी था। अब हम आते हैं जो है सरकारी पत्र के जो है प्रारूप पर, किस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर एक लाइन मैंने इसलिए खींचा हुआ है, ऊपर से नीचे तक एक लाइन रहा है कि आपके लिए ये अनुशासन की लाइन है और आप ये प्रेषक जहाँ पर लिखते हैं सेवा में वही सीधी लाइन में विषय उसी सीधी लाइन में, महोदय उसी की सीधी लाइन में, प्रतिलिपि उसी की सीधी लाइन में आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा और यहाँ पर एक और लाइन बनती है, जैसे प्रेषक लिखने के बाद यहाँ पर श्री हुए, पूरा यहाँ पर इनके पदनाम होंगे, जैसा कि बताया गया है कि हमेशा जो है ये प्रेषिति के पदनाम, जैसे सेवा में लिखा जाता है यहाँ कहीं कहीं पर ये प्रेषिति भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया, विषय आ गया, यहाँ पे ये बन गया, महोदय इसको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आ गया, इसी तरीके से प्रतिलिपि आ गया। तो एक लाइन ऐसे देखेंगे कि बनता हुआ नजर आ रहा है ऊपर से नीचे तक, जो इस तरीके के प्रारंभ होने वाले लाइन और पूर्व की लाइन के बीच में ऊपर से नीचे तक बनता है। और इस तरीके से अगर आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि पेंसिल से उसके
ऊपर से नीचे तक एक लाइन खींच सकते हैं और बाद में उस लाइन को मिटा दीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही व्यवस्थित सुगठित ढांचे के अंतर्गत अपने पत्र लिखने के उद्देश्य को आप पूरा कर पाएंगे और आपका पत्र बहुत ही प्रभावी होगा। यहाँ पर कामा, यहाँ पर कामा, यहाँ पर कामा, यहाँ पर कामा, जैसे श्री कोई भी है पद नाम जो है, जैसे श्री जितेंद्र प्रसाद प्रमुख सचिव या विशेष सचिव, अब यहाँ विभाग का नाम, यहाँ स्थान डाल दिया जाएगा। लास्ट में यहाँ पूर्ण विराम की तरह से एक लाइन खींची रहेगी। सेम इसी तरीके से यहाँ कामा और यहाँ पर एक लाइन पूरी खींची जाएगी। कहने का तात्पर्य कि ये बात यहाँ पर पूरी हो रही है। तो इस तरीके से ये तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक। महोदय के बाद यहाँ पर ये चीज लिखना। यहाँ पर एक और शब्द प्रयोग होता है श्री, जैसे ये पत्र जो है जिस भी व्यक्ति के द्वारा जारी किया जाता है। सामान्यतः इस पत्र का प्रारूप किसी कार्यालय स्तर के कर्मचारी के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए सामान्यतः यहाँ पर श्री शब्द का भी उल्लेख कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पत्र का एक ढांचा है और आपको परीक्षा के दौरान इन तरीके की बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। ऐसा करने से आप अपने प्रश्न पत्र में इस सेक्शन यानी कि पत्राचार के सेक्शन को बहुत ही प्रभावी और व्यवस्थित बना सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसा करके आप इस सेक्शन से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके अंतिम चयन में आपका पूरी तरीके से मदद करेगा। तो आज का ये लेक्चर वीडियो क्लास इस सरकारी पत्राचार तक सीमित है और मैं जल्द ही किसी अन्य टॉपिक पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।